सही जरा इसके अंदर देखें यार, इन्होंने क्या चीज़ नहीं डाली है इस कार्बोरेटर में और डाउन मॉडल कार्बोरेटर में, मतलब देखने में क्या फर्क नजर आता है। ये ट्यूब सिलाई के साथ अटैच होता है, ठीक है। अच्छा, और उसके साथ वो ये जो है इसके साथ छोटा बिल्कुल सेंटर के अंदर जो लगा जी, वो है सिलोजेट। अच्छा। पंडा वालों का काम बनता है ना कि ये चीज बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। अच्छा, ये फ्लोट है, मतलब इससे पेट्रोल का लेवल सेट होता है। पेट्रोल का लेवल सेट होता है और ये जो है ना चैम्बर को कम और ज्यादा मॉडल में होते हैं, 5 कट होते हैं, वो ऊपर नीचे कर लेता है। सेंटर में जो है ना उसका जो है ना जहाँ पे तेल की एवरेज सेट करनी हो, इसका एक ही कट बिठा के जो है। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के साइकिल पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोज के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। वालेकुम। अच्छा तो दोस्तों, 2024 मॉडल बाइक हमारे साथ मौजूद है और इस बाइक का जिस चीज़ का निर्माण लेंगे वो है इसका कार्बोरेटर, जो कि बाइक का सबसे एहसास सेंसिटिव और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिससे पूरा बाइक कंट्रोल होता है। बाइक का पेट्रोल जो है वो इधर से होके जाता है और इधर से इसकी मर्ज़ी है कि बाइक को ज़्यादा पेट्रोल देना है या कम देना है, और उसके अलावा उस्ताद की भी मर्ज़ी है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। वो अगर ज़्यादा पेट्रोल खोलेंगे तो ज़्यादा जाएगा, कम खोलेंगे तो कम जाएगा। उस्ताद जी, इसका आज रिमांड लेने वाले हैं, तो इस कार्बोरेटर को ज़रा खोले तो सही, चेक करें यार कि कंपनी ने कोई चेंज किया इसके अंदर या वैसे ही इन्होंने इसको वही पिछले मॉडल की तरह इसमें फ़िट कर दिया है। और इसका जो कार्बोरेटर हड्डी है या इंसुलेटर है वो कंपनी कहती है कि हमने चेंज किया, वो भी आप जो है वो देखेंगे और हम दिखाएँगे आपको। और इस कार्बोरेटर को जब आप खोलेंगे तो हम इसके अंदर भी देखेंगे यार क्या क्या चीज़ नहीं है। और ये यूरो का कार्बोरेटर है, इसमें डाउन मॉडल से क्या फ़र्क है वो भी आपकी आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएँगे। और उस्ताद अभी बिस्मिल्लाह करने वाले हैं उस्ताद जी, तो इस बाइक के कार्बोरेटर को खोले तो सही, ज़रा इसके अंदर देखें यार इन्होंने क्या चीज़ नहीं डाली है, ये नई नई डाली तो इसके अंदर होता क्या क्या है, और इसकी जो फर्स्ट टाइम पेट्रोल की सेटिंग है वो किस लेवल पे होती है, ये सब कुछ हमें आज की वीडियो में आपने बताना है। ठीक हो गया ये जी, अभी मैं इंशाल्लाह इसका कार्बोरेटर खोलने लगा हूँ और खोल के मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या फंक्शन है क्या नहीं है। अच्छा, और ये अभी 10 कनाट पहले खोल दिया, अभी इसका फिल्टर का जो है हॉस पैम्प होने लगा हूँ, इसका ये क्लिप है, चार मुँह वाला पेच होता है इसमें, और उसके बाद अभी ये इसकी ऊपर से स्लेट खोलने लगा हूँ। स्लेट का ये नट है और जिस यानी कि सिल्वर ही होता है नट भी। ठीक हो गया। और तो इसकी उस्ताद जी जो केबल है ये सबसे पहले देख रहे हैं, यूरो की केबल लगी हुई है, ये डाउन मॉडल वाली केबल से थोड़ा मुख्तलिफ होती है, आप ज़रा ये कन्फर्म कर देना कि ये इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और डाउन मॉडल की केबल में क्या डिफरेंस है। डाउन मॉडल की भी मैं आपको दिखा दूंगा, डाउन मॉडल की मैं जो है ऊपर जो है इसमें सिलेट वाला नट जो होता है उसमें जस्टर लगा होता है, इसमें जो है पूरी जो है पिन लगी होती है जो केबल के साथ अटैच होती है, केबल इसमें फिक्स होती है, मतलब जो इसका नट है वो उस केबल के साथ केबल के साथ बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि वो पूरी एक वो डबल बनी हुई, पूरी लंबी डबल बनी हुई है इसकी। ठीक है, समझ गया। और ये इसका कार्बोरेटर मैंने निकाल दिया है। अच्छा, निकालने के बाद मैं आपको इसको अंदर से भी खोल के दिखाऊंगा कि इसमें क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है और क्या चीज़ इन्होंने तब्दील की है इसमें से। ये इसका स्लैट है, इसमें कोई वो नहीं है, स्लैट एक जैसी होती है लेकिन इसमें ये सिलाई है, ये इसकी सिलाई है और ये ट्यूब है इसकी। ठीक है, ठीक हो गया। और ये यानी पिस्टन बोलते हैं वैसे इसको खास तौर, ठीक है, ठीक हो गया। बाकी ये कार्बोरेटर है इसका, और इसको जरा खोले तो सही ना, अंदर से भी चेक करवाए ना यार। सलाह सलाह एक मिनट में खोल के दिखा। ये उस्ताद जी, 3 इसके अंदर पाइप जा रहे हैं, ये किस काम के लिए? असल इसमें जो योर सिस्टम दिया हुआ ना कार्बोरेटर में जो एयर के लिए, हवा के लिए, ये हवा के लिए होता है बस। ठीक, तो ये इसका पेट्रोल का मिक्सचर हो गया। इससे क्या काम होता है? यानी कि जहाँ पे होंडा वाले जहाँ पे चीज ओके हो जाती है तो वहाँ पे पेन का निशान दे देते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, इससे रेस एडजस्ट होती है या पेट्रोल आप एडजस्ट करते हैं? पेट्रोल की सेट होती है यहाँ से। अच्छा, क्योंकि पेट्रोल का मिक्सचर है ये, और ये इसकी चौक है। इस कार्बोरेटर में और डाउन मॉडल कार्बोरेटर में मतलब देखने में क्या फर्क नजर आता है? काफी फर्क होता है। अभी जो है ना इसकी ये जो है गोल टिक्की सी है ये उसमें यूरो में नहीं है, ठीक है, सादा में नहीं है, यूरो में आएगी बस ये। अभी मैं इसका कार्बोरेटर खोल के दिखाता हूँ अंदर की पोजीशन कैसी है इसकी, वही है वही चीज़ है या इसमें कोई तब्दीली की है? हाँ, असल यही है ना, कंपनी जो कह रही है कि यार 77 चीजें 77 चेंजेस की हैं, तो यार कार्बोरेटर में कोई चीज चेंज की है आपने या सिर्फ वैसे ही 77 चीज़ें जो उस टाइम तब्दील होती हैं कि बाहर से कोई चीज़ नजर आए? मुझे तो कोई चीज़ नहीं, सब एक प्लास्टिक का बॉक्स दे दिया और वो तो 23 मॉडल में वो था। तो सब में आ गया। हाँ, ये देख लो जी, ये इसका तेल है इसमें जो ये उस्ताद जी, जब आपने चैम्बर खोला है तो इसमें कोई सोल्यूशन वगैरह कोई चीज़ नजर आई है ना?
उतरते हुए, ये क्या इसके अंदर लगाया है? आजकल जो है वो बस मैकेनिक जो होते हैं ना, एलफी का यूज कर रहे हैं या वो स्मार्ट लगी है? ये इसमें स्मार्ट बॉन्ड लगी है। अच्छा। और क्योंकि जैन उससे उसका छला नहीं बैठा तो उन्होंने हल्की हल्की स्मार्ट बॉन्ड डाल दी है। ठीक हो गया। तो दोस्तों ये देख ले, ये इसका अंदर का सारा इसका सर्किट समझ लें या इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। तो उस्ताद जी ज़रा एक एक चीज़ बताएं, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, ज़रा नाम भी बताएं और इनका काम भी बताएं। अब आपको मैं कैसे ये दिखाता हूँ, इस सामने रखो ना, इस साइड पे आओ, मैं करीब आओ थोड़ा सा। अच्छा। ये देखो अब यहाँ पे ये जो लंबा है, पहला जेट है इसका जो बड़ा है, सबसे बड़े वाला। अच्छा। ये है क्या नाम है जिसको बोलते हैं जेट, पिडोल वाला जेट होता है ये, वो ठीक है। ये ट्यूब सिलाई के साथ अटैच होता है, ठीक है। अच्छा। और उसके साथ वो ये जो है इसके साथ छोटा बिल्कुल दरमियान सेंटर के अंदर जो लगा जी, वो है सिलो जेट। अच्छा। जिससे गाड़ी सिलो खड़ी होती है, या अगर टूट भी जाए तो सिलो में नहीं खड़ी होती है। ठीक हो गया। अब ये है इसके फ्लूड। अच्छा, ये फ्लूड है, मतलब इससे पेट्रोल का लेवल सेट होता है। पेट्रोल का लेवल सेट होता है और यही जो है ना चैम्बर को कम और ज्यादा, और ये जो नीडल वाल्व है ये, और ये दोनों चीजें मिलके पेट्रोल को एडजस्ट करती हैं। बिल्कुल दोनों चीजें जो है चैम्बर को का जो तेल होता है वो लेवल में रखते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, ये तो मेरे ख्याल से वही सेम है, सब एक चीज ये सब, कोई नहीं 77 बोलता है 77 क्या चीज 77। ठीक हो गया। मतलब वही जो रेगुलर कार्बोरेटर यूज करते हैं वही यूज किए गए हैं, इसमें कोई चीज नहीं है। तो अभी ये छल्ले को आप बिठा रहे हैं, ये उठ क्यों रहा है, इसके क्या मसला है? बस वो कन जो ना आजकल वो जेन्युइन चीज़ें तो नहीं दे देना है, बस आम रहिए वो, अगर ये चैना के उसमें से कर चैम्बर में से निकाल के लगाओ तो वो भी फिक्स बैठ जाएगा। होंडा वालों का काम बनता है ना कि ये चीज़ बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। फिक्स हो, ये थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है। नहीं, बड़ा नहीं है, इसको तेल लगने से जो है ना ये हल्का सा फूल गया है, फूलने से जो है वो अपनी जगह पर नहीं बैठ रहा है। ठीक। ये इसका उस्ताद जी हड्डी या इंसुलेटर है, ये कहते हैं कि इन्होंने चेंज किया थोड़ा बहुत, अभी पता नहीं किस जगह पे चेंजेस है, शायद थोड़ा स्ट्रक्चर में बायर इसके कोई चेंजिंग नहीं है, वही चीज है बिल्कुल इसमें। ये है कि ये थोड़ी सी अच्छी है क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी में अच्छी है, बाकी चीज में तब्दीली कोई इतनी खास तब्दीली नहीं है, बजाय देखने में नहीं समझ आ रही है जी। और असल बात पता क्या चीज वो होती है सामने जो, हाँ हर आदमी को पता लगे कि हाँ इसमें तब्दीली आ गई। मीटर जिस तरह इन्होंने मीटर के ऊपर वो उसका लोगो थोड़ा सा चेंज किया, उसका कलर वगैरह, मीटर भी किसी और डिजाइन में देते तो बोलते थे हाँ कि वाकई तब्दीली आ गई है, लेकिन इसे अगर कार्बोरेटर का साइज देना था जैसे 150 सुजुकी का आ गया है, 110 का आ गया है, उस हिसाब से इसकी तब्दीली देते तो बोलते भाई वाकई इस कार्बोरेटर में तब्दीली। ठीक है ना। ये जरा इसकी पेट्रोल की जो सेटिंग होती है उस्ताद जी, जो इसकी ये पिस्टन के अंदर, हाँ ये इसकी सिलाई एक ही काट होता है इसका, एक ही काट में इसको फिक्स करके लगाया। ये इसके अंदर क्या लॉक बना हुआ है? ये इसका जो है इसके अंदर जो ने ये जो प्लास्टिक है इसके अंदर फेल है, वो सिलाई फिक्स करके इसमें कट में बिठा देते हैं ताकि वो हिले जुले ना, पेट्रोल का लेवल आगे पीछे ना हो। अच्छा, इसमें एक ही कट होता है, मतलब जिस तरह 70 में 4-5 कट होते हैं, ये डाउन मॉडल में इसमें सिर्फ एक ही है। डाउन मॉडल में होते हैं 5 कट होते हैं, वो ऊपर नीचे कर लेता है, सेंटर में जो ना उसका जो है जहाँ पे तेल की एवरेज सेट करनी है इसका एक ही कट बिठा के जो है एक ही जगह फिक्स किया। तो ये तो ज्यादा आसानी हो गई है कि यार एक ही कट है बस इसका, कोई नाड़ी भी हो तो वो भी इसका लेवल सेट कर सकते हैं। बिल्कुल ये बात है, बस ये कि जो है तेल की सेटिंग इसकी बाद से हो सकती है, या कोई जो है जेट बदली करना लाजमी नहीं है, अगर ज्यादा ही मसला है तो फिर इसके जो है ट्यूब बदली कर दे अंदर से। ठीक हो गया। तो अभी आपने इसके कार्बोरेटर में जो इसका पिस्टन वगैरह है, जो ट्यूब सिलाई है, वो फिट कर दी है, इसको वापस आप लगा दिए, वापस नट बोल्ट भी लगा रहे हैं। एक कार्बोरेटर तो आपने खोल के दिखाया, इसमें पेट्रोल सेटिंग हर चीज़ आपने दिखा दी है, तो इस कार्बोरेटर को अगर आप 70 बाइक में लगाना चाहें तो लग सकता है, और इसको डाउन मॉडल के 125 में लगाएं तो लग सकता है? जी बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि 70 का 125 को लग सकता है, 125 को 70 को लग सकता है। अच्छा। हाँ, इसका कोई मसला नहीं, क्योंकि साइज वही एक ही होता है इसका, वो हड्डी का भी कार्बेटा की दूसरी जो 70 के जो इसका बैंड होता है उसका, और इसका जो ना एक ही साइज होता है। मतलब थोड़ी बहुत अल्टरेशन तो करनी पड़ेगी आपको। बस ये है कि जो ना 70 का जो डाउन मॉडल का कार्बेटर है उसकी जो है नटों वाली जगह वो हल्की हल्की तोड़नी पड़ेगी, वहाँ पर डायरेक्ट नट लग जाए। ठीक हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसमें हमने बाइक कार्बोरेटर के अंदर जो जो चीज़ें थी, जो चेंजेस थी, वो आपको दिखाई हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी चीज़ आपको अच्छी लगेगी यार इसके अंदर जो है वो आप चेक करें यार क्या चेंजेस है, तो आपने बताना है, चूँकि बाइक हमने सिर्फ आपके लिए लिया है, इसमें जिस चीज़ का भी बोलेंगे हम इंशाल्लाह आपको खोल के उसका रिव्यू करवाएँगे, कि कंपनी जो कहती है 77 चेंजेस, वो हम हर चीज़ को चेक करेंगे, देखेंगे यार क्या तब्दीली है। बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है, हल्की फुल्की तब्दीली कंपनी ने की है,
बहरहाल ये है कि बाइक कंफर्टेबल है, जो बाइक रखना चाहे उसके लिए इंशाल्लाह बेहतरीन बाइक है। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।